नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर। रामनवमी पर रामलला का 2.5 घंटे तक सूर्य तक चलेगा। आज रामनवमी है, अयोध्या में इस मौके पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेता युग में इस समय श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत करने की परंपरा है। पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त है, जो सुबह करीब 11:05 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। इधर जानकारी में सामने आ रहा है कि दोपहर 12 बजे जब रामलला का सूर्य तिलक होगा, उस समय केदार, गजकेसरी, परिजात, अमला, शुभवासी, सरल, काहल और रवि योग बनेंगे। इन 9 शुभ योग में रामलला का सूर्य तिलक होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी उच्च राशि में थे, चंद्रमा खुद की राशि में मौजूद थे। इस साल भी ऐसा ही होगा। और वाराणसी के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी और पुरी के डॉक्टर गणेश मिश्र के मुताबिक सितारों का ये संयोग देश के लिए शुभ संकेत है। पोशाक पहनेंगे यहाँ पर रामनवमी पर स्वर्ण जड़ित पीली गुलाबी। और अयोध्या में 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जहाँ सूर्य तिलक में भगवान रामलला का जन्म उत्सव शुरू होगा। इस दिन रामलला स्वर्ण आभूषण और रत्न जड़ित पोशाक में अद्भुत दर्शन देंगे। उनकी रत्न जड़ित पोशाक 2 रंगों से बनी है, पीली और गुलाबी। वस्त्रों पर स्वर्ण धागों से सिलाई कढ़ाई की जाएगी। तो दोस्तों, तमाम वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद।